हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम जीएसटी के ट्रांजैक्शंस को समझने वाले हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से जब एक सप्लायर रेसिपिएंट को कुछ सेल करता है, इनफैक्ट सेल वर्ड तो हम कैजुअल लैंग्वेज में कहते हैं, मैं इसकी जगह बोलूँगा सप्लाई करता है, तो किस तरीके से आगे का पूरा सिस्टम चलता है। बहुत सारी बातें हैं, हम प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन्स किस तरह होते हैं और उसमें जीएसटी का किस तरह रोल रहता है, वो सब समझने वाले हैं। आपको एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, आपको कई नई बातें भी सीखने को मिलेगी और पुरानी चीज़ें, पुराने कॉन्सेप्ट्स भी आपको बहुत सारे क्लियर होंगे। साथ में मैं आपको जीएसटी के कुछ गोल्डन रूल्स भी बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एक सिचुएशन बनाएंगे हम, सिचुएशन को सामने रखते हुए ही मैं आपको हर एक बात एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आइए बहुत ध्यान से आप देखेंगे, आपका फंडामेंटल बनता जा रहा है, आपका एक तरह से मान लीजिए एक बिल्डिंग जो होती है उसकी जो नींव बनती है, नींव फाउंडेशन आपका, वो नींव तैयार हो रही है अभी। तो आपको बहुत अटेंशन से देखना होगा, जितनी आपकी ये नींव स्ट्रांग होगी, जितना आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, उतना आपको आगे जब हम लॉज को पढ़ना शुरू करेंगे, जीएसटी के लॉज को, तो आपको उसमें उतनी ही कम दिक्कत आएगी। आइए देखते हैं, चलिए देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, हम यहां पर सिचुएशन नंबर वन बना रहे हैं। पहले तो आप समझेंगे, आप बनाने की जल्दी नहीं करेंगे, आप खुद बनाने की जल्दी नहीं करेंगे, पहले आप चीज को समझेंगे। मान लेते हैं ये एक स्टेट है, पूरा ही एक स्टेट है। मान लेते हैं, लेट्स से ये राजस्थान है और इसमें सप्लायर सप्लायर है, ये नाम इसका एस रख लेते हैं, और ये जो सप्लायर है एस, ये मान लेते हैं ए नाम के रेसिपिएंट को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है। उसने कोई गुड्स या सर्विस को सप्लाई किया, राइट। मान लेते हैं इस गुड्स या सर्विस की वैल्यू है 100 रुपीज़, 100 रुपये की इसकी वैल्यू, मान लीजिए वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने मान लिया है 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये हमने इसकी वैल्यू मान ली। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ वो यही है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर राजस्थान में है। दूसरा क्या देखते हैं हम, क्या देखते हैं बताइए, प्लेस ऑफ सप्लाई, वो भी राजस्थान में ही हो रहा है। जब दोनों राजस्थान में ही हो रहा है तो हम इसको क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे इंटरस्टेट सप्लाई। और अब आगे की बात, आप फटाफट मुझे बोलिए, अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई है तो इस ट्रांजेक्शन पर सरकार कौन सा वाला जीएसटी लेगी? तो जवाब है यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी, दोनों की दोनों ही लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए तो फिर क्या होता है यहाँ पर कि इस सप्लायर से हम जानते हैं जो गवर्नमेंट होगी, अब यहाँ पर मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आप खुद समझ जाइएगा, वो गवर्नमेंट यहाँ पर इस सप्लायर से सीजीएसटी और एसजीएसटी लेगी। हम जानते हैं सीजीएसटी कौन लेगा, सेंट्रल वाली गवर्नमेंट, और एसजीएसटी कौन लेगा, राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट। तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास जाएगा एसजीएसटी और सेंट्रल के पास जाएगा सीजीएसटी। आप मुझे बताइए, अगर मैं 18% की जीएसटी रेट का ये आइटम मान लूँ तो सीजीएसटी की परसेंट कितनी होगी, 9%, और एसजीएसटी की कितनी होगी, 9%, ठीक बात है, 9 और 9 18% हो गया। 100 रुपये का ये गुड्स है, मान लेते गुड्स दिए जा रहे हैं, 100 रुपये की इनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, तो वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। तो यहाँ पर सप्लायर ए को जब बिलिंग करके देगा, जब ए को ये बिलिंग करके देगा, तो आप जरा मुझे बताइए बिलिंग किस तरह होगी। बिल में वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी इस चीज की वैल्यू दिखाई जाएगी 100 रुपये, और फिर उस वैल्यू में जुड़ेगा जीएसटी, क्योंकि हम जानते हैं कि सप्लायर इस जीएसटी का बर्डन ए के ऊपर ट्रांसफर करेगा। तो यहां पर ये इस वैल्यू में ऐड करेगा जीएसटी, जीएसटी सीजीएसटी भी होगा और एसजीएसटी भी होगा। सीजीएसटी कितना होगा, 100 रुपये का 9% यानी 9 रुपये, और एसजीएसटी भी इसी तरह 9 रुपये, ठीक है। अब आप मुझे बताइए टोटल कितने रुपए का बिल बनाइए, टोटल कितने रुपए का बिल बना है, तो जवाब है टोटल ये 118 रुपए का बिल बना। ये बिल ए को पकड़ा दिया जाएगा और फिर ए कितने रुपए का पेमेंट करेगा बताइए, ए पेमेंट करेगा 118 रुपए का,
लेकिन मुझे बताइए, क्या सप्लायर पूरे 118 रुपये खुद के पास रखेगा? क्या पूरे 118 रुपये उसकी रेवेन्यू है? जी नहीं, हम जानते हैं 118 में से उसका रेवेन्यू केवल 100 रुपये है। वो अपनी इनकम के रूप में, यानी कि आप जानते हैं अकाउंटिंग करते समय जब ये इनकम के रूप में क्रेडिट करेगा तो केवल 100 रुपये को ही करेगा, ठीक बात है ना? ये अपनी सेल्स कितने की दिखाएगा? केवल 100 रुपये की दिखाएगा, ना कि 118 की। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। और रह गई बात 18 रुपये की, जो 18 रुपये है वो इसके लिए जीएसटी होगा, और ये जीएसटी उसके सिर पर क्या होगा? लाइबिलिटी, ये आप जानते ही हैं। तो सप्लायर के पास ये जो 18 रुपये का जीएसटी आया है वो इसके लिए लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि ये सप्लायर अपने पास नहीं रख सकता, उसे जाके ये चुकाना है किसको? गवर्नमेंट को। और हम यहाँ पर ये जानते हैं क्लियर कट, चलिए एक मिनट में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ही दिखा देता हूँ कि क्या होने वाला है। यहाँ पर सप्लायर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पकड़ाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा 9 रुपये सीजीएसटी के, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे 9 रुपये एसजीएसटी के। इस तरह से 18 रुपये सप्लायर ने सरकारों को दे दिए। बताइए, आपको पूरा ट्रांजैक्शन अच्छे से क्लियर है? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, अब हम आगे देखने वाले हैं, आप बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं अगर मान लीजिए आपसे कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड बेसिक बातें पूछूं, क्योंकि मैं चाहता हूं यहां पर साथ में आपके अकाउंट्स की बातों को भी हम रिलेट करते जाए, ताकि आपके दिमाग में बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आ जाए। आप मुझे बताइए, यहां पर जब सप्लायर ने ए को ये माल बेचा, उसने बिल बनाया, तो सप्लायर ने अपनी बैलेंस शीट में डेटर्स कितने रुपए के दिखाए होंगे? यहां पर हम जानते हैं कि ए इज द डेटर ऑफ सप्लायर, ए कौन है? डेटर है। तो बताइए कितने रुपए का डेटर है ये? कितने रुपए से इसका अकाउंट रेज किया गया है? यानी ए का जो अकाउंट है, ए जो कि डेटर है, उसका अकाउंट कितने रुपए से रेज किया गया होगा? जवाब है पूरे 118 रुपए से, ठीक बात है? इसको डेबिट किया गया होगा 118 रुपए से। जबकि सेल्स कितनी दिखाई गई होगी? बताइए सप्लायर ने सेल्स कितने रुपए की दिखाई है? जवाब है केवल 100 रुपए की। तो सेल्स को क्रेडिट किया है 100 रुपए से। और फाइनली जो बचा हुआ 18 रुपये रह गया, वो जीएसटी के नाम से रिकॉर्ड हुआ होगा, क्रेडिट हो गए होंगे 18 रुपये से जीएसटी के नाम से, क्योंकि ये इसकी लाइबिलिटी है। ऑल राइट, अभी तक की सिचुएशन कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं। अब मानते हैं ये जो ए नाम का रेसिपियंट है ना, ये खुद भी वास्तव में एक डीलर है। कौन है ये? मैंने माना है कि ये भी एक डीलर है। ये खुद भी कौन है? एक डीलर है। और क्योंकि ये डीलर है, इसलिए ये इस आइटम को आगे बेचता है अगले पर्सन को। मान लेते हैं कि ये फर्दर किसी और को बेचता है, लेट्स से ये बेच रहा है ये बी नाम के पर्सन को। तो इस बार आप मुझे बताइए, जब ए बी को बेचेगा, उस समय ए को हम क्या बोल देंगे? ए को बोल देंगे सप्लायर, और बी को क्या बोल देंगे? रेसिपियंट, ठीक है? तो इस बार ए और बी पे हमारा फोकस है, ए इज द सप्लायर एंड बी इज द रेसिपियंट। अब ध्यान से आप देखिए और मुझे बताइए, ये इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा? फटाफट बोलेंगे आप, इंटर है या इंट्रा है? क्या जवाब मिला? इंट्रा, इंट्रा स्टेट है ये। बताइए क्यों इंट्रा स्टेट है? हमको दो चीजें देखनी होती है, कौन कौन सी? लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई। बताइए यहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर, यानी ए का जो लोकेशन है वो राजस्थानी है, यस। और प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहां हो रहा है? सप्लाई भी कहां हो रहा है? राजस्थान में ही हो रहा है। देयर फोर यस, इट इज इंटर स्टेट सप्लाई। क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई है, इसलिए अभी फिर से क्या लगना चाहिए? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब यहां पे अगेन क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आके खड़े हो जाएंगे ए के पास, बोलेंगे लाओ भाई हमारा हिस्सा दो। तो बताइए अभी क्या होने वाला है? अब यहां पर फिर से आएंगी गवर्नमेंट्स, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि दोनों गवर्नमेंट ही आएंगी, सेंट्रल और स्टेट। अच्छा, यहां भी मैं मान लेता हूं 18% ही रेट लगने वाली है, ठीक है? 18% ही रेट लगेगी। सप्लायर ने, एस ने, अब मैं आपको नाम से बता रहा हूं, एस ए और बी, एस ने ए को 100 रुपए की चीज बेची थी, और ए ने कितने चुकाए थे? 118, क्योंकि उसने जीएसटी की वैल्यू भी चुकाई थी। अब मैं आपसे एक ये बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएंगे ए के लिए यहां पर कॉस्ट कितनी मानी जाएगी?
भाई ए तो इसको खर्चा मानेगा ना, ए तो क्या बोलेगा, ये मैंने परचेजेस की है, परचेज के रूप में इसको रिकॉर्ड करेगा। या मान लीजिए ए के लिए ये कोई असेट है, तो वो असेट के नाम से अकाउंट खोलेगा, चाहे तो परचेजेस के नाम से अकाउंट खोलेगा अगर गुड्स है, और अगर असेट है तो असेट के नाम से अकाउंट खोलेगा। ये तो आप जानते ही हैं भाई, जिस भी नाम से अकाउंट है। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, बताइए ए कितने रुपए का खर्चा रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि ए ने चुकाए तो 118 है। तो अब आप मुझे बताइए फटाफट से, ए कितने रुपए का खर्चा रिकॉर्ड करेगा? व्हाट्स द आंसर? जवाब आता है, यहां पर ए सबसे पहले अपना खर्चा मानेगा कितने रुपए को, ये मानेगा मेरा खर्चा हुआ है 100 रुपए का। अब यहां पे कंफ्यूजन आता है कि सर 118 क्यों नहीं, ए का तो खर्चा 118 का हुआ है, तो उसको तो कॉस्ट 118 की लिखनी चाहिए, उसकी जेब से तो 118 गए ना। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात आपको समझ में बाद में आएगी, लेकिन सुन लेंगे आप, समझ में आपको ज़्यादा अच्छे से बाद में आएगा। यहाँ पर ए का खर्चा 118 नहीं है, केवल 100 रुपये ही है। आप बोलेंगे अरे सर कैसी बात बोल रहे हो, उसने तो अपनी जेब से 118 दिए ना। नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि जो 18 रुपये उसने जीएसटी के नाम से दिए हैं, वो उसकी जेब से परमानेंट खर्चा नहीं हुआ है। आप इसको ऐसा मान लीजिए, ये इसकी जेब से एक टेम्पररी खर्चा हुआ है, ये वापस आएगा इसके पास लौट के, कैसे आएगा वो आपको आगे समझ में आएगा। लेकिन आप एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिए और इसको एक्सेप्ट करिए कि ए का खर्चा यहाँ पर केवल 100 रुपये का ही है, 18 रुपये जो उसने जीएसटी के नाम से दिए थे, सही पूछे तो वो उसका खर्चा नहीं है। अभी आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं बोलूंगा थोड़ा रुक जाइए, आपको इसका रीजन पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है? तो ए का कॉस्ट कितना है? 100 रुपये। मैं मान लेता हूं इसने इसमें कुछ अपनी तरफ से वैल्यू जोड़ी है, तो मान लेते हैं इसने इसमें 50 रुपये की वैल्यू जोड़ी है। अरे भाई वो एज इट इज लाके थोड़ी ना बेच देगा उतने ही भाव में। आप मान लीजिए उसने 100 रुपये की चीज खरीदी, उस पर कुछ अपनी तरफ से भी लेबर किया होगा, काम किया होगा, और मान लीजिए इसने अपनी तरफ से कोई उस पर मेहनत नहीं भी की, तो अपनी प्रॉफिट मार्जिन तो जोड़ेगा ना। तो मैं मान लेता हूं सब जोड़ जुड़ा के उसने 50 रुपये और इसमें ऐड कर दिए, इस 50 रुपये में उसने भी अपनी तरफ से जो खर्चे किए वो भी आ गए, साथ में उसने जो प्रॉफिट जोड़ा है वो भी आ गया, सब आ गया, 50 रुपये उसने इसमें जोड़े हैं। तो फाइनल इस गुड्स की जो वैल्यू है कितनी हो गई? 150। फाइनल जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है? वो है 150। कितनी हो गई? 150 वैल्यू हो गई। यानी एक तरह से अब हम बोलेंगे ए बी को 150 वैल्यू की सप्लाई कर रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है? 150। अब यहां पे सीधे सरकार आ जाती है और कहती है भैया 150 की चीज बेच रहे हो, निकालो टैक्स, निकालो जीएसटी। हमने देखिए ये तो डिसाइड कर ही लिया कि ये कौन सी वाली सप्लाई है, इंटर है या इंट्रा है, फटाफट बोलिए। अभी अभी हमने देखा था ना, इंट्रा, इंट्रा है ये, ठीक है इंट्रा है ना ये। तो इस पर बताइए क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी लगेगा, फटाफट बोलिए। सिंपल है ना, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। इंट्रा पर हमेशा क्या लगता है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। हाँ, और अगर ये यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। क्लियर है? भूले तो नहीं आप, पहले का सारा रिवीजन करके ही आए हैं ना आप, रिवीजन करके ही आप बैठे हैं। चलिए ठीक है, तो यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा फिर से। अच्छा, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी अगेन हम मान लेते हैं 9% और 9% है, तो निकालिए जरा 150 का 9% कितना आता है, निकालिए 150 का 9% कितना आता है। तो मैं यहां पर ऐड करता हूं सीजीएसटी, मैं शॉर्ट में सीजी लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा ये सीजीएसटी है। तो ये कितना आएगा? 9% आएगा, 13.5 रुपये। अच्छा, ऐसे ही एसजीएसटी भी मैंने जोड़ा, वो भी 13.5 रुपये। अब बताइए सब जोड़ने के बाद टोटल कितना आ रहा है, टोटल बिल कितने रुपए का बना? टोटल बिल बना है 177 रुपीज का, ये इतना लंबा बिल बन गया। तो 177 का फाइनल बिल की वैल्यू निकली, जिसको हम इनवॉइस वैल्यू कहते हैं टेक्निकल भाषा में, लीगल भाषा में क्या बोलते हैं इसको हम, इनवॉइस वैल्यू। कितनी है इनवॉइस वैल्यू? 177। इनवॉइस वैल्यू हो गई 17, इनवॉइस मतलब बिल हो गया एक तरह से, तो इनवॉइस वैल्यू कितनी है? 177। ठीक है, ये बिल बना के ए ने पकड़ा दिया बी को और बोला भैया लाओ 177 रुपए, 177 रुपीज निकालो।
बताइए बी यहाँ पर ए को कितने रुपए देने वाला है? उतना ही देगा ना जितने का बिल है, तो 177 ये दे देगा। पकड़ा दिया इसने 177। अब मेरा आपसे सवाल है, ए के पास में 177 आए, बताइए ए इस 177 में से अपना रेवेन्यू कितना मानेगा? क्या पूरा 177 उसका रेवेन्यू है, उसकी खुद की कमाई है, मतलब खुद की इनकम है? बोलिए फटाफट, क्या उसका खुद का रेवेन्यू पूरा 177? जी नहीं। कितना है? केवल 150 रुपये। जो वैल्यू ऑफ सप्लाई थी ना 150, वो ही तो इसका खुद का रेवेन्यू है, क्योंकि इसने तो 150 की ही चीज बेची है। अच्छा, 150 के ऊपर का जो हिस्सा रह गया 27 रुपये, 27, बताइए ये क्या है? ए बोलेगा अरे ये 27 रुपये तो जीएसटी के नाम से लिया है मैंने, और ये मेरे हक की चीज नहीं है, मैं मेरी जेब में नहीं रख सकता, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो मेरे पे पनिशमेंट्स आ जाएंगे, पेनल्टी आ जाएगी, क्योंकि इस पे तो केवल किसका हक है? सरकार का। तो ए क्या करेगा, इस 177 में से 27 रुपये निकाल के सरकार के हवाले कर देगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ए सरकार को कितने देगा? 27 रुपये। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आके खड़े हो गए ए के पास, बोलते हैं, वो कहता है मेरे 13.5 रुपये निकालो, वो कहता है मेरे 13.5 रुपये निकालो, है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है सीजीएसटी के 13.5 रुपये हमें दो, सेंट्रल सॉरी स्टेट गवर्नमेंट कहती है राजस्थान गवर्नमेंट कि भाई एसजीएसटी के 13.5 रुपये हमें दो। अब ए को देने पड़ेंगे क्या? ए कहता है मैं तो नहीं देने वाला 13.5, 13.5 मैं नहीं दूंगा। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कहती है यार क्यों नहीं दोगे, अजीब बात कर रहे हो, देने ही पड़ेंगे तुम्हें, देने ही पड़ेंगे, कंपल्सरीली देना पड़ेगा। ए कहता है मैं तो नहीं दूंगा और आप मेरा कुछ कर भी नहीं सकते। वो दोनों कहते हैं क्यों भाई, ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं कर सकते हम? ए कहता है मैं आप दोनों को 13.5 और 13.5 नहीं दूंगा, थोड़े कम रुपए दूंगा। कितने दूंगा? अब जरा आप ध्यान से देखेंगे, ए का ऐसा कहना है, अब जरा ए की बात भी हम गौर से सुनते हैं, कुछ तो दम होगा इसकी बात में, तभी कह रहा है ये। ए कहता है देखो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, आप हमसे कितने मांग रहे हो? वो कहते हैं हम तुमसे मांग रहे हैं 13.5 रुपये, हमारे 13.5 दो। ये कहते हैं नहीं दूंगा मैं 13.5, मैं उसमें से 9 रुपये माइनस करके केवल 4.5 रुपये ही आपको दूंगा। कितने दूंगा मैं आपको? केवल मैं आपको 4.5 रुपये दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है यार ऐसा कैसे, ये 9 रुपये क्यों माइनस कर रहे हो तुम, किस बात के है ये? अब सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, पूरी बात सुनिए, आपको समझना पड़ेगा। भले ही आप बोलेंगे हाँ सर हमें दिख गया ये 9 रुपये कहाँ से आए, लेकिन फिर भी मेरी बात को अटेंशन से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। ए कहता है देखो आप मेरे से 13.5 मांग रहे हो, ये 13.5 रुपये का टैक्स किस वैल्यू पर निकला है? सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है भाई ये तो 150 पे निकला है, बिल्कुल 150 पे निकला है, 150 पे ही तो निकले ये 13.5 रुपये, 150 का 9% करके 13.5 निकले। तो ए कहता है अब आप आगे की बात सुनो, 150 रुपये में 100 रुपये वो वाले शामिल है। अब ध्यान से सुनिए, अब ये कहता है 150 में 100 रुपये, ये इन 100 रुपये की बात कर रहा है जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है ना, ये कहता है 150 में 100 रुपये वो शामिल है जिस 100 रुपये पर आपको पहले ही टैक्स दे दिया गया था। जरा याद करिए, अब मैं आपको कह रहा हूं याद करिए, जब पहला वाला ट्रांजेक्शन हुआ था बिटवीन एस एंड ए, एस और ए के बीच में जब पहला पहला ट्रांजेक्शन हुआ था, तो इन 100 रुपए पे ही तो टैक्स निकाल के सरकार को पकड़ाया गया था। यही बात ए कह रहा है, वापस सुनिए ए क्या कहता है। ए कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट आप कैसी बात कर रहे हो, आप खुद सोचो ये जो 13.5 रुपये आप हमसे मांग रहे हो वो 13.5 किस पे निकले हैं? पूरे 150 पर 9% करके निकले, लेकिन 150 में 100 रुपये वो वाले शामिल है, 150 में 100 रुपीज वो वाले इंक्लूडेड है जिन 100 रुपये पे आपको पहले ही टैक्स मिल चुका है। ये सुन के सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है यार हमें तो याद नहीं आ रहा, तुम बताओ थोड़ा डिटेल। तो ए क्या करता है, वो बिल ले जाके सरकार को हाथ में थमा देता है। कौन सा बिल? जो इसे एस से मिला था, ये वाला बिल।
ये बिल ले जाके वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पकड़ा देता है और कहता है अब आप खुद पढ़ लो इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ती है तो उसे रियलाइज होता है कि अरे हाँ यार, जब एस ने ए को 100 रुपए की यही चीज बेची थी, उस समय एस ने ए से 9 रुपए लिए थे सीजीएसटी के। आप खुद देखते जाइए इस बिल को, पुराने वाले बिल को, फर्स्ट वाले बिल को। 9 रुपए सीजीएसटी के नाम से लिए गए थे ए से, और वो 9 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को ही तो पकड़ाए गए थे। आप बताइए, 9 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को ही तो पकड़ाए गए थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को याद आता है, अरे हाँ यार, ये 9 रुपए तो हमारे पास आ चुके हैं। तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है। अब बताइए, आप समझ गए कि इस बात को? मैं फिर से कहता हूँ, हुआ क्या है, नो डाउट ये जो सेकंड वाला ट्रांजेक्शन है उसमें सीजीएसटी के 13.5 रुपए बनते हैं, लेकिन 13.5 रुपए क्यों नहीं पकड़ाए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को? क्योंकि ये 13.5 का टैक्स कितनी वैल्यू पे निकला? 150 पे। लेकिन 150 में से 100 रुपए का जो हिस्सा है, कितने वाला? 100 रुपए वाला जो हिस्सा है, उस 100 रुपए पे जो 9 रुपए का टैक्स बना था, अरे वो 9 रुपए तो पहले ही दे दिए गए हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो वापस क्यों दिए जाएंगे? दो दो बार थोड़ी ना देंगे हम। इसलिए हम 13.5 में से वो 9 रुपए माइनस कर रहे हैं, रह गए 4.5 रुपए, वो हम पकड़ा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहा था, ऐसा ही होगा। अब इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट आती है, बताइए अब उसको क्या जवाब देंगे? ये अब आप बताइए। स्टेट गवर्नमेंट मांगती है वो ही 13.5 रुपए, कितने? वो ही 13.5। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या बोला जाएगा? हे स्टेट गवर्नमेंट, हमने आपको 100 रुपए की वैल्यू पे जो 9 रुपए का टैक्स बनता है वो पहले ही दे दिया है। तो रह गए कितने? 4.5 रुपए। अगेन स्टेट गवर्नमेंट को भी कितने रुपए पकड़ाए जाएंगे? 4.5। पूरा लॉजिक क्लियर है आपको? अब आप ध्यान से सुनिए यहां पे। अब मैं आपको, ये पूरा सिस्टम तो आपको क्लियर हो गया, अब इसका जरा हम थोड़ा और एनालिसिस कर लेते हैं। ध्यान से अब आप देखेंगे। देखिए, यहां पर पहले तो आप ये समझिए कि हमने ये जो 9 रुपए माइनस किए हैं ना, ए ने ये जो 9 रुपए माइनस किए हैं सीजीएसटी के भी और एसजीएसटी के भी, जो 9 9 रुपए माइनस किए हैं, ये जो 9 रुपए माइनस किए गए हैं, इसको हम कहते हैं, आईटीसी। आईटीसी का पूरा नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है वो अब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? पहले तो मैंने आपको बताया जो 9 9 रुपए माइनस किए गए हैं इसको हम कहते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये आईटीसी माइनस किया गया है। अच्छा, क्यों किया गया है वो मैं रीजन तो आपको बता चुका, अब मैं आपको ये बताता हूं इसका नाम आईटीसी क्यों पड़ा, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों कहते हैं। तो अब आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अब मैं आपको कुछ शब्द बता रहा हूं, सुनिए। ए के एंगल से अब आपको देखना है, आपको ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ए के पॉइंट, आप मान लीजिए आप ए की तरफ खड़े हैं। अब सोचते हैं, ए ने यहां पर खरीदा था, परचेज किया था, है ना? मैं एक मिनट यहां पर इसको लिखता भी जाता हूं शॉर्ट में कि यहां पर हो क्या रहा है। बताइए, ए ने यहां पर क्या किया है? परचेज किया है। देखिए, ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है, ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूं, भले ही आपको लग रहा है कि सर हमें समझ में आ रहा है, आप थोड़ा जल्दी बताइए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जितना अच्छे से छप जाएगा ना, उतना आपको आगे इजी रहेगा, बहुत इजी रहेगा, ठीक है? तो इसलिए आप मेरे साथ में ही चलेंगे। बिल्कुल, ए ने परचेज किया है, किससे किया वो तो हम जानते ही है, एस से, और इसने आगे सेल किया है। ये मैं परचेज और सेल की जो भाषा है, ये मैं जीएसटी लॉ की भाषा नहीं यूज कर रहा, ये मैं आपके अकाउंट्स की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ जो आपको आराम से समझ में आती है। तो ए कहता है मैंने परचेजेस किए हैं एस से और सेल किया है बी को। मैं मान लेता हूं ए ने ये गुड्स खरीदे थे अपने लिए, ठीक है? ये इसने क्या खरीदे थे? अपने गुड्स खरीदे थे, ठीक है? चलिए, अब आगे सुनिए। ए ने अपने गुड्स खरीदे हैं तो ये बोलेगा मैंने परचेजेस की एस से और सेल किया है ए को, राइट? बताइए, ए के लिए एस कौन हो गया? एस कौन हो गया? क्रेडिटर। और ए के लिए बी कौन हो गया? मैं ए को थोड़ा अलग से हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि हमारा पूरा ध्यान ए पर रहे, पूरा ध्यान ए पर रहे। ये देखिए, ये है हमारा ए, येलो कलर का ए है। तो बी कौन हो गया बताइए? ए का, वो हो गया इसका डेटर,
ठीक है, एक तरफ खड़ा है क्रेडिटर, एक तरफ खड़ा है डेटर। क्रेडिटर से इसने परचेज की और डेटर को सेल किया। आप मुझे बताइए, परचेज करते समय क्या ए ने, परचेज करते समय क्या ए ने कोई तरह का जीएसटी दिया था एस को? नो डाउट एस फाइनली तो सरकार को देगा, बट एक बार तो ए ने एस को ही दिया होगा ना, ए ने डायरेक्टली तो यहां पर गवर्नमेंट को नहीं दिया था। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, आप बताइए क्या ए ने परचेज करते समय कोई जीएसटी पे किया था? क्या कोई जीएसटी पे किया था? यस, कितना जीएसटी पे किया था बताएंगे आप मुझे? ए ने कितना जीएसटी पे किया था? जवाब है ए ने 18 रुपए का जीएसटी पे किया था। मैं इसको चाहे अलग अलग करके लिख देता हूँ, 9 रुपए प्लस 9 रुपए, आप समझ ही गए सीजीएसटी और एसजीएसटी के 9 9 रुपए ये उसने पे किया था। और अब आप मेरे को बताएंगे, ए ने सेल करते समय, जब ए ने बी को सेल किया, सेल करते समय क्या इसने बी से कोई जीएसटी कलेक्ट किया था? कलेक्ट किया था बताइए फटाफट। यस, कितना कलेक्ट किया था? 13.5 और 13.5, सीजीएसटी के भी 13.5, एसजीएसटी के भी 13.5। तो ये हो गया जीएसटी कलेक्टेड, एक हो गया जीएसटी पेड 9 9, और एक हो गया जीएसटी कलेक्टेड 13.5 13.5। ठीक है, अभी आगे बढ़े। अच्छा, अब सुनेंगे आप, मैं अब आपको जो नई बात बताने वाला हूं वो यहां पर चालू होती है। याद रखिए, ए ने ये जो जीएसटी पे किया था ना, कब पे किया था बताइए? ये ने खरीदते समय, याद रखिए, परचेज करते समय जो हमने जीएसटी पे किया था, बिल का पेमेंट करते समय जो हमने जीएसटी पे किया था, उसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ध्यान से आप सुनेंगे, इसको हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। इसका नाम है इनपुट जीएसटी। मतलब ए इसको क्या बोलेगा, मैं ए की भाषा में आपको बता रहा हूं, मैं किसी और की भाषा में तो बोल ही नहीं रहा हूं ना, मैं ए की लैंग्वेज में कह रहा हूं। ए बोलेगा इनपुट जीएसटी मैंने 9 और 9 रुपए का पे किया है, 18 रुपए का इनपुट जीएसटी। पता है इसको इनपुट जीएसटी क्यों कह रहे हैं? इसको इनपुट टैक्स क्यों कह रहे हैं? इनपुट जीएसटी कह लीजिए या इनपुट टैक्स कह लीजिए, क्योंकि जीएसटी भी है तो टैक्स ही ना। तो इसको इनपुट टैक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ए ने ये चुकाया था इनपुट करते समय, यानी माल खरीदते समय, जब उसके पास कुछ चीज आ रही थी उस समय उसने वो टैक्स चुकाया था, इसलिए इसको कह रहे हैं इनपुट पर लगने वाला टैक्स, जो आया है उस पर जो उसने टैक्स चुकाया है, इनपुट टैक्स। ठीक है, आप समझ गए ना इस टैक्स को क्या बोल रहे हैं? इनपुट टैक्स। तो परचेजेस करते समय हम जो टैक्स चुकाते हैं उसे क्या कहते हैं बताइए? परचेजेस के साथ जोड़ दीजिए, इसको याद कर लीजिए, परचेजेस के समय जो हम टैक्स चुकाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स। क्या कहते हैं हम उसको? इनपुट टैक्स। ऑल राइट, क्लियर है अच्छे से? अब दूसरा कॉन्सेप्ट भी हम समझते हैं। अब यहां पे मैं बता रहा हूं आपको इस जीएसटी कलेक्टेड के बारे में, सुनिए, जीएसटी कलेक्टेड के बारे में भी सुनिए। ए ने जब सेल किया था तो उसने अपने कस्टमर से यानी बी से कुछ जीएसटी लिया था, उसने बिल बना के दिया था, और बिल के थ्रू उसके पास में 27 रुपए का जीएसटी आया था। कलेक्ट उसने कितने किए? 13.5 प्लस 13.5 27 रुपए। पता है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी। इसको हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी। ए क्या बोलेगा? मैं ए के एंगल से कह रहा हूं आपको, ए क्या बोलेगा? मैंने सेल करते समय जो जीएसटी कलेक्ट किया, सेल करते समय जो जीएसटी कलेक्ट किया उसको क्या कहते हैं? आउटपुट जीएसटी। अब मुझे आप बताएंगे इसको आउटपुट जीएसटी क्यों कह रहे हैं? अरे भाई, क्योंकि ए बोलेगा मैंने जब माल को आउट किया था या सर्विसेज को आउट किया था उस समय मेरे पास ये जीएसटी आया था। आउट करते समय जो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है तो इसको कह रहे हैं आउटपुट जीएसटी। याद रखिए, आउटपुट जीएसटी को किससे जोड़ना है आपको? सेल से। जब जब भी सेल होगी तो उस पर जो हमारे पास आएगा वो कहलाएगा आउटपुट जीएसटी। ठीक है, अच्छा, इसको ऐसा भी मैं कह सकता हूं, इनपुट जीएसटी हमारे पास से जाता है यानी हम देते हैं। सही बात बोल रहा हूं ना, ऐसा कह सकता हूं ना मैं? ध्यान से आप देखिए, इनपुट जीएसटी हम देते हैं, मैं एक एंगल से कह रहा हूं, और आउटपुट जीएसटी हम लेते हैं। अच्छे से क्लियर कर लीजिए एक एक बात आपके दिमाग में एकदम, मैं बोलूं आउटपुट जीएसटी आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, सेल की होगी जरूर। आउटपुट जीएसटी बोलो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये हमने लिया है यानी कलेक्ट किया है।
ठीक है ना, ये सब बातें आपके दिमाग में एक साथ आ जानी चाहिए, यही मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इनपुट जीएसटी हम देते हैं यानी इट इज पेड, जबकि आउटपुट जीएसटी हम लेते हैं यानी इट इज कलेक्टेड। ऑल राइट, ये सारी कहानी आपको समझ में आ रही है अभी तक की? चलिए ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। एक और बात सुनिए, इनपुट जीएसटी आप मुझे बताएंगे हमने ऊपर क्या किया था, बताइए जरा ऊपर देख के बताइए। यहां पर ये जो ऊपर हमने पूरे ट्रांजेक्शन को समझा है उसमें एक एंगल से देख के बताइए, इनपुट जीएसटी कितना दिया था इसने? 9+9, देख रहे हैं आप, बिल को भी देखते जाइए, इसने बिल का 9+9 रुपए का इनपुट जीएसटी ही तो चुकाया था ना। और बताइए इन्हें आउटपुट जीएसटी लिया कितना, 20 से लिया कितना, 13.5+13, बिल देखिए 13.5+13, राइट ठीक है। आप मुझे बताइए अब जरा ए जब सरकार को दे रहा है वो देखिए आप, यानी इस एरिया पे अब आपका फोकस होना चाहिए, इस एरिया पे जब ये सरकार को टैक्स दे रहा है उस समय ये क्या करता है, बताइए क्या करता है, ये क्या करता है? आउटपुट जीएसटी में से माइनस करता है इनपुट जीएसटी, ऐसा ही तो कर रहा है ना। आप खुद देखिए, आउटपुट जीएसटी 13.5 में से माइनस किया इनपुट जीएसटी 9, तो फाइनली क्या आ गया, जीएसटी पेबल। चलिए अब मैं आपको ये वाली चीज दिखा देता हूं, यहां पर लिख भी देता हूं कि लास्ट में क्या होगा, थर्ड नंबर पे क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे ए ने परचेजेस किया, ये पहला काम हुआ, सेकंड काम हुआ उसने सेल किया, है ना। और अब थर्ड काम क्या होगा, थर्ड काम क्या करवा दें हम, थर्ड काम ये कि अब ए क्या करेगा, ए क्या करेगा, जैसा कि हमने ऊपर ट्रांजेक्शन में देखा था, फाइनली ये क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा कि 13.5 में से मैं 9 रुपए माइनस करके तुमको केवल कितने दूंगा, 4.5 रुपए। अब मैं आपको यही कह रहा हूं, देखिए यहां पर 13.5 क्या है, आउटपुट जीएसटी, अभी अभी हमने यही नाम दिया ना इसको, ये आउटपुट जीएसटी है। बताइए आउटपुट जीएसटी मतलब जीएसटी कलेक्टेड, जो ए ने कलेक्ट किया था अपने ग्राहक से, और उसमें से इसने माइनस किया इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी मतलब जीएसटी जो उसने पे किया था किसको, अपने सप्लायर को, अपने क्रेडिटर को, फॉलो कर रहे हैं ना आप अच्छे से, ठीक है। तो इसने क्या किया, आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी माइनस किया, दोनों जगह पर इसने यही किया, 13.5 में से 9 रुपए माइनस किए। तो पता है इसको हम कहते हैं, सुनिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ए ने इनपुट जीएसटी का यानी इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया, जो ये 9 रुपए माइनस कर रहे हैं ना इसको हम कहते हैं क्रेडिट लेना, ये माइनस करने को कहते हैं क्रेडिट लेना, माइनस कर देना मतलब क्रेडिट लेना। तो बताइए ए ने क्या किया यहां पर, इनपुट टैक्स जो उसने चुकाया था खरीदते समय सप्लायर को, एस को, जो उसने एस को इनपुट टैक्स चुकाया था वो इनपुट टैक्स का ये क्रेडिट ले रहा है, और इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब समझ में आ रहा है आपको क्यों इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, क्योंकि इसने इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया। बताइए इनपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट जीएसटी क्या होता है, इनपुट जीएसटी क्या होता है, बताइए फटाफट, जो माल खरीदते समय हमने चुकाया था, टैक्स पेड व्हेन वी हैड परचेज्ड सम गुड्स और सर्विसेज, समझ गए क्या आप अच्छे से, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनपुट टैक्स जो हमने चुकाया था उसका आज हम क्रेडिट ले रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो आपने यहां पर ये चीज समझ ली कि ए आराम से यहां पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले पा रहा है। अब इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं, इसमें एक दो बातें और समझ के, एक दो बातें और समझ लेते हैं, क्योंकि इसका हम बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं, इससे छोटी बड़ी बहुत सी नई नई बातें भी हम सीख रहे हैं। देखिए अब एक और बात यहां पर जो हमें गौर करनी है वो ये है कि क्योंकि यहां पर ए को 9 और 9 रुपए का क्रेडिट मिल गया, यानी वसूली हो गई एक तरह से, इसको वसूली क्यों हो गई, अरे भाई कहां इसको 13.5 और 13.5 देने पड़ते, और कहां इसको 9 9 का क्रेडिट मिल गया, तो 4.5 ही तो देने पड़े, 4.5+4.5 वसूली हो गई ना इसकी, तो 9 9 रुपए की। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा था कि ए ने ये जो 118 रुपए चुकाए हैं ना एस को, ये जो 118 चुकाए हैं, आप पूरे 118 का खर्चा मत मानिएगा, कितना
केवल 100 का ही खर्चा मानिए, तभी तो हमने यहाँ पर कॉस्ट में 100 रुपये लिए हैं। अब आपको समझ में आ गया ऐसा क्यों किया हमने? अरे इसलिए क्योंकि ए को 18 रुपये जो इसने चुकाए थे उसका तो क्रेडिट आगे मिलना था ना, 18 का क्रेडिट तो इसको मिलना था ना, इसलिए 18 जो इसने चुकाए थे वो इसका खर्चा था ही नहीं, वो तो टेम्पररी खर्चा था इसका, टेम्पररी। फिर तो बाद में इसको वसूली होनी ही थी इसकी, इसलिए इसका खर्चा तो केवल 100 का ही माना जाएगा, ठीक है ना? ये तो अपना खर्चा 100 का ही मानेगा, 18 रुपये तो इसको क्रेडिट मिलेगा ना आगे। क्लियर हो गया आपको अच्छे से? इस तरह से ए का खर्चा यहाँ केवल 100 रुपये ही माना गया। अच्छा अब एक बात सोच लेते हैं, मान लीजिए ये तो यहाँ पे सरकार ने क्रेडिट दे दिया, मान लेते हैं भाई गवर्नमेंट है, अड़ सकती है, वो कह सकती है हम तो नहीं देंगे क्रेडिट, ये जो तुम 9 और 9 रुपये माइनस कर रहे हो, नहीं हम तो डबल टैक्स लेंगे, दो बार लेंगे, एक बार पहले 9 9 रुपये ले लिए थे, वापस भी लेंगे, हम तो तुम्हें 13.5 में से 9 रुपये माइनस नहीं करने देंगे। मान लीजिए ऐसा कह दे तो, मान लीजिए ऐसा कहती नहीं है बट समझने के लिए हम कह रहे हैं, मान लीजिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों अड़ जाए, नहीं हम तो नहीं देंगे क्रेडिट, हमें तो पूरे 13.5 13.5 चाहिए, 27 चाहिए। तो ऐसे केस में अगर ऐसा होता तो फिर पता है फिर क्या होता? फिर ए अपनी कॉस्ट 100 रुपये ही नहीं पूरे 118 को लेकर चलता, फिर पता है यहां पे ये बिल ही बदल जाता पूरा, ये बिल ही पूरा बदल जाता, सुनिए ध्यान से, ये बिल ही पूरा, क्या बोला मैंने, पूरा बिल ही बदल जाता। कैसे? अभी जो मैंने कॉस्ट 100 रुपये मानी है ना, उसकी जगह ए कितनी कॉस्ट मानता, वो कहता भैया मेरे तो पूरे 118 रुपये ही गए मेरे परमानेंट, क्योंकि वो जो 18 रुपये मैंने जीएसटी दिया था ना एस को, ए कह रहा है मैंने जो एस को 18 रुपये का जीएसटी दिया था उसकी कोई वसूली नहीं होने वाली मुझे, कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला मुझे, वो भी गया, तो इस तरह से पूरे 118 ही गए मेरे तो, खर्चे हो गए। तो फिर पता है ये जो यहाँ पे बिल बनता, ये इसमें कॉस्ट 118 ली जाती, आप सोचिए ये बिल की फाइनल वैल्यू 18 रुपये तो सीधे सीधे बढ़ जाती, सीधे सीधे ये माल कितना महंगा पड़ जाता बी को, समझ गए आप? मैं आपको बिल वापस बना के दिखाता हूँ, चलिए अगर ऐसा होता तो क्या होता जरा देखते हैं। ऐसे में फिर बिल किस तरह बनता, ए बी को जो बिलिंग करके देता वो किस तरह होती? मैं ये मान रहा हूं कि ए को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, इफ नो इनपुट टैक्स क्रेडिट टू ए, ऐसा मान लेते हैं, सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है? अगर ए को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता तो क्या होता? तो ए किस तरह बिलिंग करता, वो कहता भैया इस बार तो मेरी कॉस्ट 118 है, 100 नहीं है, पूरे 118 है, क्योंकि पूरे 18 रुपये जो थे मेरे वो 18 भी मेरे गए परमानेंट, मेरे को उसकी कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला। अच्छा साथ में हम जानते हैं इसने अपनी तरफ से वैल्यू कितनी ऐड की है, 50 रुपये तो ऐड किए ही थे ना इसने अपने प्रॉफिट वगैरह के और भी खर्चे वर्चे, तो आप बताइए टोटल वैल्यू कितनी हो गई इस गुड्स की जो ये सप्लाई कर रहा है, 168 हो गई है ना, 168 हो गई। एक काम करता हूँ मैं इस बिल को यहीं पे बना देता हूँ ताकि आप कंपेयर कर सकें, चलिए थोड़ी यहीं पे जगह बना लेते हैं, मैं इसको साथ की साथ यहीं पे आपको दिखाता हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाए ना। तो कॉस्ट इसने कितनी मानी 118, प्लस इसने 50 रुपये तो जोड़े ही, 168 की टोटल वैल्यू हो गई। अब इसमें सीजीएसटी निकलता सोचिए, और एसजीएसटी निकलता 9 9% बढ़ जाता ना, वो बढ़ जाता आराम से, अच्छे से बढ़ता, वो तो वो हो जाता 15.12, 15.12 टोटल लगाते तो कितना आता, लगा लीजिए टोटल 168 और प्लस 15.12 प्लस 15.12, ये आ जाता टोटल, सोचिए कितना ज्यादा आ जाता, ये आ जाता 198.24 का बिल आ जाता, काफी ज्यादा हो गया। बी के लिए कितना महंगा पड़ जाता ये, तो आप देख रहे हैं ना, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर नहीं मिलता तो इसका कितना बुरा नुकसान होता, फाइनल कंज्यूमर को तो न जाने कितना महंगा होके मिलता ये। और दूसरा हमने देख लिया अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट ना मिले तो क्या होगा, अब देखिए उसका इफेक्ट क्या निकला, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने का असर क्या हुआ, जरा इस बिल को और ध्यान से आप देखिए, ये जो मैंने अभी नया बिल बनाया उसको ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हो रहा है कि कॉस्ट हमने पहले तो 118 लिए, उसका कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ए को क्रेडिट तो मिलेगा नहीं तो ए उसको खर्चा ही मानेगा अपना, परमानेंट खर्चा हो गया उसका, तो वो अपनी कॉस्ट 118 मान रहा है, 50 रुपये वैल्यू जोड़ी, 168 आ गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पर सीजीएसटी 15.12 निकला है,
जबकि पहले कितना निकला था 13.5। ये अंतर क्यों आ रहा है? कहाँ तो 13.5 आ रहा था और कहाँ 15.12 आ रहा है ना? ये अंतर पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि, अब रीजन सुनिए, क्योंकि ये जो 18 रुपये हमने एक्स्ट्रा जोड़े हैं, 18 रुपये हमने एक्स्ट्रा जोड़े ना भैया, जो 168 है इसमें 18 रुपये ज़्यादा जुड़े हुए हैं ना, 18 रुपये ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आपको पता है इस 18 रुपये पे वापस से 9% की कैलकुलेशन हो रही है। सही कह रहा हूँ ना? हुई होगी ना भाई, हमने पूरे 168 पे 9% और 9% निकाला, तो नेचुरली उस 18 रुपये पे फिर से ये टैक्स कैलकुलेट हो गया होगा। आप खुद करके देख लीजिए। आप मुझे ये बताइए, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आप मुझे ये बताइए, कहाँ तो 13.5 का था, है ना? कहाँ तो कितना था? 13.5 का। और कहाँ कितना CGST आ रहा है? 15.12, कितना ज़्यादा आ रहा है निकाल के देखिए, डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है। 15.12 में से आप माइनस कर दीजिए 13.5 को, तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 1.62 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ये 1.62 क्यों ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि ये जो 18 रुपये हमने यहाँ पे जोड़ दिए थे एक्स्ट्रा, इस 18 रुपये पे भी तो 9% कैलकुलेट हो गया ना। निकाल के देखिए अब 18 का 9% आप निकालेंगे तो वो 1.62 ही आएगा। तो ये 1.62 जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना टैक्स का, वो क्यों आ रहा है? मैंने आपको कारण बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो 18 रुपये का टैक्स का अमाउंट था उस पे वापस से टैक्स की कैलकुलेशन हो गई। इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पर टैक्स कैलकुलेट हो गया। हुआ कि नहीं बताइए, आपने देखा या नहीं? आपने अच्छे से देखी ये चीज कि यहाँ पे कैसे टैक्स पर टैक्स कैलकुलेट हो रहा है? भाई 18 रुपए का जो टैक्स का अमाउंट था उस पर वापस से 9% और 9% टैक्स कैलकुलेट कर दिया गया है। इसको हम कहते हैं टैक्स पर भी टैक्स लग जाना, टैक्स ऑन टैक्स। कितनी बड़ी गड़बड़ है ये, टैक्स पे भी टैक्स लग रहा है, अजीब बात है, ये तो गलत है। और इसको पता क्या कहते हैं? जब टैक्स पे भी टैक्स लग जाता है, इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, इसको कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? जब टैक्स पे भी टैक्स लग जाता है। समझ गए भाई? मैं आपसे पूछूं, कोई आपसे पूछे बताइए व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट, क्या बोलेंगे आप? टैक्स पर टैक्स लग जाना। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए टैक्स पे टैक्स कब लगता है? ऐसा कब होता है कि टैक्स पे भी टैक्स लग रहा है? ऐसा कब हो पाता है? क्या देखा आपने? ऐसा तब हो पाता है जब हमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट देने से मना कर देती है सरकार। क्या बोला मैंने? जब सरकार हमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट देने से मना कर देती है, यानी ITC जब हमें नहीं मिलता है तब होता है ऐसा, तो ऑटोमेटिकली टैक्स पे टैक्स निकलता जाता है, कास्केडिंग इफेक्ट होता जाता है। और आप देखिए आइटम की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, फाइनल वैल्यू आप देखिए तो सही। कहाँ तो फाइनल कस्टमर के पास 177 में जा रहा था वो चीज़, और कहाँ 198.24 में जा रहा है, कितना डिफरेंस आ गया, दिख रहा है आपको? ठीक है, अच्छा ये डिफरेंस क्यों आया ये भी आप समझ गए होंगे, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है 177 और 198.24? अरे एक तो रीज़न 18 रुपये ही हो गए ना सीधे साधे, एक तो 18 रुपये का ही डिफरेंस आ गया और बाकी ये 1.62 हो गए। अच्छे से क्लियर हो रहा है आपको? इसलिए ये ITC मिलना बड़े काम की चीज है। आपने देख लिया इसका फायदा? ITC मिला था तो कितना बढ़िया था, एक तो एक ही कॉस्ट कम मानी गई थी 100 रुपये ही, और दूसरा टैक्स पे टैक्स भी नहीं लगा था। ये फायदा है ITC मिलने का। क्लियर है? अच्छा चलिए, अब आपको ये तो समझ में आ गया कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, इज इट क्लियर? यस। अब मैं आपको बताता हूं, पुराने टैक्स रिजीम में एक बहुत बड़ा झंझट था। पुराने वाले सिस्टम पे एक बार चलते हैं। आपको इससे मैं ये भी बीच बीच में बता रहा हूँ कि GST लाना क्यों ज़रूरी हुआ, GST के क्या फ़ायदे रहे, एक्स्ट्रा फायदे। पुराने सिस्टम्स में एक बहुत बड़ा चक्कर होता था, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाता हूँ। मान लीजिए ए ने एस से, या मान लीजिए उसने एस से नहीं खरीदा, मैं हाँ ठीक है चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। ए ने एस से कोई रॉ मटेरियल खरीदा होगा 100 रुपए का, ठीक है मैं मान रहा हूँ इस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगा था,
बिना टैक्स वाला आइटम था ये, क्योंकि कुछ आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिस पे कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता। 100 रुपये में इसने चीज़ खरीदी। अभी आप इसमें दिमाग मत लगाइए, 100 रुपये में ए के पास रॉ मटेरियल आया। अब ए है एक मैन्युफैक्चरर, आपको अभी ए पर ही पूरे ध्यान से देखना है। ए इज़ वॉट अ मैन्युफैक्चरर। ए ने इस रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाया, मैं मान लेता हूँ फिनिश प्रोडक्ट बना, फाइनली फिनिश प्रोडक्ट बना 150 रुपये का। 100 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा, फाइनल जो इसने फिनिश प्रोडक्ट बनाया वो 150 का बनाया, ठीक है। अब पता है यहाँ पर होता क्या है, पुराने सिस्टम की मैं बात बता रहा हूँ, पुराने सिस्टम जीएसटी आने के पहले क्या होता था कि जैसे ही कोई मैन्युफैक्चरिंग करता था तो मैन्युफैक्चरिंग करते ही उसको देना पड़ता था एक टैक्स जिसका नाम होता था एक्साइज ड्यूटी। क्या नाम होता था उसका? एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ए ने जैसी मैन्युफैक्चरिंग की 150 रुपये की चीज़ की, उस पर लगेगा एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, इस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। और पता है एक्साइज ड्यूटी से कौन ले जाता था? एक्साइज ड्यूटी केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। जैसे मैंने आपको बताया अभी तो जीएसटी में तो क्या है, अगर जीएसटी लेगी तो दोनों ही सरकारें लेगी, आधा आधा बटेगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। एक्साइज ड्यूटी अगर ली जाती थी तो उस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हक था, है ना, एक्साइज ड्यूटी पे। अब एक्साइज ड्यूटी में मान ले तो 12.5% है, तो 12.5% निकालिए जरा, 150 का 12.5%, या चलिए काम करते हैं हम, नहीं ठीक है 12.5% ही ले लीजिए, 12.5 150 का कितना हुआ? 18.75, ये एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट मैंने आपको बताया, लग गई इस पर एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, 150 पर 18.75 की एक्साइज ड्यूटी लग गई। अब मान लेते हैं ये मैन्युफैक्चरर ने माल तो बना लिया, बनाते ही उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो भी चुका दिया। अब ए इस फाइनल प्रोडक्ट को आगे बेचना चाहता है, फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू तो है 150, बट ये मान लेते हैं इसको आगे बेचना चाहता है, बेचेगा तो सही ना, खुद के घर में तो रखेगा नहीं, फैक्ट्री में तो रखेगा नहीं, बेचेगा। जब ये बेचने जाता है तो उस समय लगता था वैट, जब आप उसी स्टेट में बेच रहे होते थे तो उस पर लगता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो अब जब ए इस आइटम को बेचने जाता है, किसको बेचता है मान लेते हैं, ये बेचता है बी को, बी को ये बेचता है, तो उस समय इस पर लगता था वैट, ठीक है। अब आप सोचिए, इम्पॉर्टेंट बात है, ये 18.75 ऑलरेडी इसने चुका दिए हैं, 18.75 इसने चुका दिए, क्लियर है, 18.75 इसने चुका दिए। अच्छा, अब ये 18.75 किसकी जेब में चले गए? सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में, ठीक है। हम जानते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी वॉज एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसकी वसूली ये बी से करेगा बिल में जोड़ के। तो ये क्या करता है, बिल बना रहा है, ये बिल बना रहा है, बिल में इसने अपने आइटम की वैल्यू तो लिखी 150, है ना, आइटम की वैल्यू कितनी लिखी 150, और साथ में ये इसमें ऐड कर देता है एक्साइज ड्यूटी के नाम से 18.75 रुपीज, ये इसने ऐड कर दिए, ठीक है, ऐड कर दिए। अब पता है क्या होता है, जो ये आगे बी को बेचेगा उस समय वैट लगेगा, वैट लगेगा, तो वैट किसकी जेब में जाता था, अब आप ये सुन लीजिए। देखिए, एक था एक्साइज ड्यूटी, वो किसकी जेब में जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में, लेकिन वैट जो होता था ना वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। वैट पे किसका हक था? स्टेट गवर्नमेंट का। तो यहां पर मान लेते राजस्थान में हो रहा है ये सारा काम, तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट वैट लेती थी। मैं मान लेता हूँ वैट की जो रेट है इस पर वो है 14.5%, 14.5 मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि यहां पर 14.5% की कैलकुलेशन किस पर होगी? अब ये आप बताइए मुझे जरा, आपको क्या लगता है, 14.5% जो वैट निकलेगा वो वैट किस पर निकलना चाहिए? 150 पर निकलना चाहिए, या 150 में 18.75 जोड़कर जो आ रहा है, यानी 168.75 जो आ रहा है, उस पर वैट निकालना चाहिए? किस पर निकालना चाहिए बताइए, 14.5% में किसका निकालूं? आप बोलेंगे सर 150 का ही निकलना चाहिए हिसाब से तो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। होता यह था कि जब ए स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा कहता था, सुनिए जरा ध्यान से, ए यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा बोलने वाला है कि हे स्टेट गवर्नमेंट, आप हमसे 14.5% वैट मांग रहे हो, लेकिन हम आपको पूरा वैट नहीं देंगे,
क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी भी चुकाई हुई है, हम उसका क्रेडिट लेंगे, ऐसा ए कहता है। जैसे आज मैंने आपको बताया, आज तो कोई भी पर्सन कह देता है ना कि हम क्रेडिट लेंगे, वैसे ही ए ने पहले बोला। ए ने पुराने वाले सिस्टम में ऐसे बोला, क्या बोला वापस सुनिए। ए कहता था स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट, हम जानते हैं आपका हक है वेट पर, लेकिन हम आपको पूरा वेट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमने इसी वैल्यू पर एक्साइज ड्यूटी चुका रखी है, वो एक्साइज ड्यूटी जो हमने चुका रखी है उसका हम क्रेडिट लेंगे, उसे हम माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा वो ही हम आपको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब बताइए ये सुन के स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलेगी? क्या स्टेट गवर्नमेंट ये बोलेगी कि ठीक है भाई ले लो क्रेडिट? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट अड़ जाती थी, वो कहती थी बिल्कुल नहीं देंगे हम क्रेडिट। क्यों नहीं देंगे? अरे तुमने पहले जो एक्साइज ड्यूटी चुकाई थी वो हमें थोड़ी ना चुकाई थी, वो किसको चुकाई थी? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चुकाई थी, ऐसा कहती है स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि ये दोनों सरकारें अलग अलग है, ये आपको पता रहे, दोनों को अपना अपना पेट अपनी मेहनत से भरना होता है। ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट बोले अरे यार है तो अपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी है, अपना ही देश है, ऐसा नहीं होता है। हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिस्टम है कि दो सरकारें होंगी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को अपना अपना पेट खुद भरना है, यानी खुद के रेवेन्यूज कलेक्ट करने हैं। तो आप बताइए सही बात है ना, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा बोलेगी ना? क्या बोल रही है स्टेट गवर्नमेंट? हम तुम्हें क्रेडिट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अरे क्योंकि जो तुम एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहे हो वो तुमने हमें थोड़ी दिया था पहले, जो हम उसका क्रेडिट तुम्हें दे देंगे। ये तो तुमने किसको दिया था? सेंटर को दिया था, हमारे पास तो आया ही नहीं था इसका 1 रुपया भी, तो हम नहीं देंगे क्रेडिट। और क्योंकि क्रेडिट नहीं मिल रहा है इसलिए यहां पर एक्साइज ड्यूटी को भी जोड़ा जा रहा है कॉस्ट में, जोड़ा जा रहा है। ठीक है, कॉस्ट कितनी मानी जा रही है ए के लिए? 150 प्लस 18.75, पूरी 168.75 की वैल्यू मानी जा रही है, कॉस्ट मानी जा रही है इसकी, खर्चा हो गया इसका। क्योंकि ए बोलेगा यार मेरे को एक्साइज ड्यूटी का तो क्रेडिट मिलेगा ही नहीं ना, तो मैं तो इसको कॉस्ट ही मानूंगा, और इसलिए वैट जो निकलता था वो पूरे 168.75 का 14.5% निकलता था। अब आप बताइए ये टैक्स ऑन टैक्स ही तो हो गया ना, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी वाले टैक्स पर भी वापस से वैट कैलकुलेट हो रहा है, यानी टैक्स पर फिर से टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। ऐसा होता था पहले, होता था, मैं आपको पहले की सिचुएशन दिखा रहा हूं, ठीक है ना? क्योंकि आपने ये वाली सिचुएशन देख के सोचा होगा कि सर आपने कास्केडिंग इफेक्ट जो बताया वो होता थोड़ी है सच में, तो मैंने आपको उसका एग्जाम्पल दिखा दिया कि बिल्कुल होता था ऐसा पहले। अच्छा, होने का कारण क्या दिखा आपको? बताइए पहले ऐसा क्यों होता था, कास्केडिंग क्यों हो रही थी पहले? क्योंकि पहले दिक्कत ये थी कि कोई टैक्स या तो लेगी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या लेगी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, तो सीधी बात है ना, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल वाले का क्रेडिट क्यों देगी? देगी नहीं। इसका उल्टा भी आप कर लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट वाले का कभी क्रेडिट नहीं देती थी, दोनों में लड़ाई होती थी, और लड़ाई की बात भी नहीं है, बात सही भी है, वो क्यों देगी क्रेडिट? लेकिन अभी क्या हो रहा है जरा देखिए, जीएसटी आने से क्या फायदा हुआ, इसने कास्केडिंग को खत्म कर दिया। देखा आपने कैसे खत्म किया? आप देखिए अब ऐसा हो रहा है जीएसटी आने के बाद कि हर ट्रांजैक्शन पर जो टैक्स लग रहा है वो दोनों को मिल रहा है। देखिए जब एस ने ए को दिया था तब भी दोनों को 9-9 रुपए मिले थे, और जब अब ए बी को दे रहा है तो भी दोनों को 9-9 रुपए मिल रहे हैं, इसलिए दोनों क्रेडिट देने के लिए तैयार है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला यहां पर, अभी जो आपको केस में दिखा रहा हूं ये वाला हमने जो कर लिया, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला था, 13.5 में से हम 9 का क्रेडिट दे देते हैं। क्यों दे देते हैं बताइए? क्यों दे दी थी? 13.5 में से 9 का क्रेडिट क्यों दिया था इन्होंने? क्योंकि वो 9 रुपए भी तो सेंट्रल के पास ही आए थे, तो वो आराम से दे रही है क्रेडिट। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने भी 13.5 में से 9 का क्रेडिट दिया, क्योंकि वो 9 स्टेट के पास ही तो आए थे। समझ गए आप, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम का समाधान कर दिया है जीएसटी ने। समझ गए? तो मैंने आपको दिखाया पहले वाले में क्या ड्रॉबैक था, कास्केडिंग होती थी, ठीक है, और अब ये कास्केडिंग की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैंने आपको इससे पहले भी जीएसटी का एक बेनिफिट बताया था, ये तो मैंने आपको अभी बताया कि जीएसटी ने कास्केडिंग की समस्या को दूर किया। एक और भी मैंने आपको बेनिफिट क्या बताया था जीएसटी का, बेनिफिट कह ले या बेनिफिट की जगह मैं बोलूं डिफरेंस कह ले, पुराने सिस्टम में और नए वाले में मैंने आपको ये बताया था, जो अभी मैंने वापस भी कह दिया, क्या?
कि पुराने सिस्टम में कोई भी टैक्स या तो केवल ही सेंट्रल लेती थी या केवल ही स्टेट, लेकिन अब हर ट्रांजैक्शन पर दोनों सरकारी टैक्स एक साथ लेगी साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये दो डिफरेंसेस हमने देखे पुराने वाली रिजीम में और नए वाले में, क्लियर है। चलिए तो अब यहां पर ये बहुत कुछ हमने समझा, आप इसको रिवाइज तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको जरा एक बार समरी बता देता हूं इस पूरे सिस्टम की, बस हम जल्दी से ही इस क्लास को ओवर करने वाले हैं अब। चलिए मैं एक बार कास्केडिंग वाले को तो हटा रहा हूं, आपने लिख भी लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे हमारे दिमाग में। ठीक है, इसको मैंने पूरा हटा दिया है। चलिए तो मैं एक बार आपके सामने यहां पे पूरा कंक्लूजन दे देता हूं। कंक्लूजन ये निकला कि चलिए आप देखते जाएंगे, मैं थोड़ा नीचे आ रहा हूं और अब मैं नीचे अलग से लिख रहा हूं। कंक्लूजन कंक्लूजन ये निकला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एस से कितने रुपए हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने रुपए हैं, आइए निकालते हैं। एस से कितने रुपए आए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? आपको याद होगा पहले ट्रांजैक्शन में 9 रुपए का सीजीएसटी लगा था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया था। किससे लिया था? एस से। और ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने भी 9 रुपए ले लिए थे एस से, एसजीएसटी के। अच्छा, फिर जब सेकेंड ट्रांजेक्शन आया उसमें ए से लिया गया था, बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ए से कितने लिए थे? अल्टीमेटली 4.5 ही लिए थे ना, 13.5 में से 9 का क्रेडिट लेके केवल कितने लिए थे? 4.5। और ऐसे ही स्टेट ने भी कितने लिए थे? 4.5। बताइए फाइनली दोनों ने कितने कितने रुपए लिए टोटल? टोटल अगर मैं कर दूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी आए 13.5 और स्टेट के पास भी आए 13.5। बताइए सब बराबर हो गया ना, फाइनली कितने कितने रुपए है? 13.5 और 13.5। ठीक है, और आप मुझे बताइए ये जो प्रोडक्ट बिका है यहां पर, इस प्रोडक्ट की भी फाइनल वैल्यू कितनी थी? फाइनल वैल्यू कितनी थी बी में? ये कितने बी को ये कितने में मिला था? बी को ये कितने वैल्यू की चीज मिली थी? 150 की वैल्यू की चीज मिली थी, है ना भाई? बी को कितनी वैल्यू का माल मिला था लास्ट में, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। बताइए बी को फाइनली ये 150 की चीज मिली थी ना, बी को 150 की चीज ही तो बेची गई थी। आप मुझे बताइए 150 का 9% और 9% कितना बनता है? तो आप देखेंगे 150 का 9% आप निकालेंगे तो वो 13.5 ही तो बनता है। तो इस तरह से आप ये समझिए कि जो टोटल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है प्रोडक्ट की 150, उसका 9% 13.5 बनता है ना? और आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पूरे 13.5 जा चुके हैं और स्टेट के पास भी पूरे 13.5 जा चुके हैं। इतना बढ़िया सिस्टम है ये जीएसटी का, आप इसमें देख रहे हैं पूरे 150 का 9% यानी जो फाइनल वैल्यू का टैक्स निकलता है पूरे 13.5 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा चुके हैं और स्टेट के पास भी 13.5 जा चुके हैं। बेशक दो टुकड़ों में गए हैं, 13.5 जाने थे बट 9 रुपए एस से मिले और 4.5 रुपए ए से मिले, लेकिन अल्टीमेटली टोटल तो कितने मिल गए? 13.5 और 13.5। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये जो जीएसटी है इसमें सरकारों को टैक्स जो मिल रहा है वो अलग अलग स्टेज में मिल रहा है, पूरे 13.5 रुपए एक साथ नहीं मिले बल्कि एक स्टेज पर 9 रुपए मिले, एक स्टेज पर 4.5 रुपए मिले, समझ गए? इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टी स्टेज टैक्स। आप इन सब बातों को लिख रहे होंगे, जीएसटी को हम क्या कहते हैं? मल्टी स्टेज टैक्स। बताइए इसको मल्टी स्टेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा टैक्स है जो अलग अलग स्टेजेस पर कलेक्ट किया जा रहा है। दिखा ना आपको अच्छे से? ठीक है, फाइनली मैं इससे कनेक्टेड एक रूल आपको बता रहा हूं, मैं आपको इससे कनेक्टेड एक रूल बता रहा हूं। मैं आपको कह रहा था कि हम गोल्डन रूल्स भी देखेंगे, तो आइए मैं आपको गोल्डन रूल नंबर 1 बता रहा हूं। सुनेंगे आप वो गोल्डन रूल नंबर 1 क्या है, अलग से आप उसको लिख लीजिए। हमने इस पूरे सिस्टम में देखा, मैं आपको ये डायग्राम के अंदर दिखा देता हूं, हमने इस पूरे सिस्टम में ये देखा कि चलिए यहां पर देख लेते हैं कि इनपुट सीजीएसटी का क्रेडिट हमें मिल गया है आउटपुट सीजीएसटी में से। बताइए ऐसा ही हुआ था ना, ए को आउटपुट सीजीएसटी 13.5 का था
उसमें से इसने क्रेडिट ले लिया था 9 रुपए के इनपुट सीजीएसटी का, है ना। मैं इसी बात को यहां पर लिख रहा हूं, ये मेरा रूल नंबर वन है, क्या कि आप इनपुट सीजीएसटी का क्रेडिट ले सकते हो किसमें से, आउटपुट सीजीएसटी में से। मतलब आप इनपुट सीजीएसटी का क्रेडिट ले सकते हो, आईटीसी ले सकते हो आउटपुट में से, ठीक है। इसी तरह हमने देखा इनपुट एसजीएसटी का क्रेडिट भी हमने लिया था किसके अगेंस्ट, आउटपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट। आप बोलेंगे सर इसमें नई बात क्या है, ये तो सिंपल ही है, इसमें आपने गोल्डन रूल क्या बता दिया। बस यही है गोल्डन रूल, कुछ नया नहीं बता रहा था मैं आपको। अच्छा, इसका मतलब ये समझिए, इसमें जो नई बात मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि सीजीएसटी इनपुट वाला हो और उसका आप क्रेडिट ले ले एसजीएसटी में से, ऐसा कभी नहीं हो सकता, नेवर पॉसिबल, दिस इज नेवर पॉसिबल। याद रखिए सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में से लेना अलाउड नहीं है, है ना, समझ गए आप। सीजीएसटी और एसजीएसटी की आपस में दुश्मनी है, ये चलेंगे साथ साथ लेकिन एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, एक दूसरे से दुश्मनी है इनकी। जैसे एक रेलवे ट्रैक होती है ना, पटरी होती है, तो पटरी चलती तो सीधे सीधे उसकी दोनों साइड, भाई ये पटरी है तो पटरी चलेगी तो सीधे सीधे साथ में चलेगी जहां भी घूमेगी, लेकिन मिलेगी तो नहीं ना कभी भी। वैसे यहां भी हो रहा है कि सेंट्रल सॉरी सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों चलेंगे तो साथ में, यानी जहां सीजीएसटी लगेगा वहां एसजीएसटी भी लगेगा, बट ये दोनों एक दूसरे की मदद नहीं करने वाले हैं, याद रखिए। तो इनपुट सीजीएसटी का क्रेडिट आउटपुट सीजीएसटी से नहीं ले सकते हैं, और ऐसे ही आप उल्टा कर लीजिए, इनपुट एसजीएसटी का क्रेडिट आप आउटपुट एसजीएसटी में से सॉरी आउटपुट सीजीएसटी में से नहीं ले सकते, ये एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, खुद ही खुद की मदद करेंगे। समझ गए अच्छे से। चलिए, बहुत सारी बातें आपने देखी है, आप इसको जरूर से रिवाइज करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे। मैंने अभी तो आपको फर्स्ट सिचुएशन बताई है, ऐसी मैं आपको एक दो और भी सिचुएशंस बताऊंगा। थैंक यू।